क्या हुआ भाई साहब, इतना टेंशन में आप कह रहे हैं महाराज, क्या हुआ भाई साहब? क्या मैं बताऊं आपको, मैं क्या बताऊं, बिना मतलब के मैं चक्कर में पड़ गया हूं। इतना अच्छा कमाई कर रहा था 5 बिलियन सेल से, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या हो गया, क्या हुआ? अरे जानना चाहते हैं आप क्या हुआ मेरे साथ? अरे मैं मोबाइल गुम हो गया, मेरा एक दोस्त मुझे लेके चला गया वहां पे, मुझे जाना नहीं था, उसका काम था, मुझे लेके चला गया और उसके चक्कर में मेरा मोबाइल गिर गया। अब बताइए कि मैं अपने 5 मिलियन सेल से कैसे कमाई करूंगा? इतना अच्छा पैसा वहां पे जमा हो गया था, मैं 25 अगस्त को वो पैसा निकलने वाला था, अब कैसे निकलेगा? अरे निकलना की दूर की बात, उस मोबाइल से मैं कितना पैसा कमा सकता था 5 मिलियन सेल से, लेकिन मेरा मोबाइल गुम हो गया। अब मैं क्या करूं? नया मोबाइल ले सकता हूं, लेकिन क्या फायदा उससे? मेरा आईडी तो उसमें था ना, अब मैं क्या करूंगा बताइए? टेंशन क्यों ना हो? इतना अच्छा जरिया मिला था मुझे पैसा कमाने का, टेंशन तो होगी ना? आपको क्या हुआ भाई साहब, इतना टेंशन? मन कर रहा है ना, मन कर रहा है कि अपना दिमाग को मैं फोड़ दूं। तो फोड़ दो। अरे क्या जरूरत था मुझे? अपने मोबाइल से मैंने रजिस्ट्रेशन किया था 5 बिलियन सेल्स को, अब मेरी मती मारी गई थी कि मैंने उसको अपने लैपटॉप में लॉगिन कर दिया। मुझे क्या मालूम था मेरा सारा इनकम खत्म हो गया, मेरी मती मारी गई थी, मती खत्म हो गया था मेरा भेजा। आपको क्या हुआ भाई साहब, आप कहाँ रो रहे हैं? अरे हमारे बच्चा की तरह रो रहे हैं, क्या हुआ आपको बताइए? मोबाइल टूट गया यार, मेरे घर पे मेरा मोबाइल रखा हुआ था, मेरा एक भतीजा था वो मोबाइल तोड़ दिया। अब मैं ये सोच के मतलब रो रहा हूँ कि उस 5 बिलियन सेल्स में पैसा कैसे कमाऊंगा? 5 बिलियन सेल्स मैंने उसमें लॉगिन कर रखा था, वो मोबाइल मेरा टूट गया है, कुछ काम का नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा है। मैंने बनाने के लिए दिया तो मिस्त्री बोला कि नहीं बनेगा। अब मैं नया मोबाइल ले भी लूंगा तो क्या फायदा होगा उससे? बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन है। एक तो बेरोजगारी, कुछ रोजगार भी मिला तो इस तरह का कांड हो गया यार, मेरे मोबाइल जो है फूट गया। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार, स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों थोड़ी देर पहले जस्ट आपने थोड़ा सा यहां पर नाटक देखा मेरा, तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि किस रूप में यह मैंने नाटक किया है और इसी टॉपिक पे मेरा बेस्ड है पूरा वीडियो। तो आप बखूबी ये समझ गए होंगे कि सर का जो वीडियो है आज किस टॉपिक पे है। अगर मोबाइल गुम हो जाए, मोबाइल फूट जाए, तो क्या जो 5 बिलियन सेल्स का जो आईडी लॉगिन था उसमें, जो उसमें कमाई हो रही थी, वो खत्म हो जाएगा? मान लेते हैं कि मोबाइल अगर नया ले भी लेते हैं तो क्या वो जो नया और मतलब अपना आईडी को लॉगिन करेंगे तो क्या जो इनकम है वो कंटिन्यू रहेगा, या फिर जो इनकम वहां पे आ चुका है वो इनकम रहेगा? ये सारा कुछ प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा। अगर दोस्तों इस तरह का टेंशन आपके दिमाग में चल रहा है जो मैंने नाटक करके आपको दिखाया, तो डोंट वरी, मैं हूं ना, आई एम हियर, इसलिए मैं दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है? अगर इस तरह का आपके साथ हो गया है या होने को है, या फिर आप सोच रहे हैं कि भैया ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, मोबाइल ही तो है, कहीं गिर जाए, कहीं टूट जाए, कहीं गुम हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी मोबाइल गलती से फूट जाए, काम नहीं करे, ठीक है, तो आपको अपना लॉगिन करने के लिए जो आईडी है, जैसे यूजर नेम या ईमेल आईडी, वो आपको याद रहना चाहिए, आपका पासवर्ड याद रहना चाहिए, आपका सीक्रेट कोड याद रहना चाहिए। आप नए मोबाइल में आईडी को लॉगिन कर लीजिए, और नए मोबाइल में जैसे ही आप लॉगिन आईडी कर लीजिएगा, वो आपका एक्टिव हो जाएगा, आपका ज्यों का त्यों जो सिस्टम था, जो आपका पैसा था वो रहेगा, और आप आगे कमाई कर सकते हैं, आगे का काम कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? जाहिर सी बात है दोस्तों, आपका मोबाइल गिर जाएगा, गुम हो जाएगा, तो आप नया मोबाइल लीजिएगा, तो आप उसमें आराम से लॉगिन कर सकते हैं। रही बात की अगर आपको यूजर नेम याद नहीं है तो आप अपने अपलाइन से पूछ लीजिए, पासवर्ड याद नहीं है फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए, मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है ना, वो वीडियो आप देख लीजिए कैसे फॉरवर्ड पासवर्ड कैसे जो है पासवर्ड को लाते हैं, नया पासवर्ड कैसे बनाते हैं। सीक्रेट कोड भूल गए हैं दोस्तों, वो सीक्रेट को भी आप ला सकते हैं, ठीक है ना, और टेंशन नहीं लेना है, डोंट वरी के रहते हुए आपको टेंशन किसी बात का नहीं देना है। बस एक बात की सावधानी यहां पर मैं आपको बता दूं देना चाहता हूं दोस्तों, कि जिन मेरे बंधु को, जिन मेरे भाई को मोबाइल में रजिस्ट्रेशन आपने 5 बिलियन से तो कर लिया है और आपके पास लैपटॉप है, आप ये सोच रहे हैं
कि मैं अपने लैपटॉप में अपने आईडी को लॉगिन कर लेता हूं। तो यह गलती अभी भूल से नहीं कीजिएगा, क्योंकि उम्मीद है कि अगर आप अपना ट्रांसफर मोबाइल से लैपटॉप में करते हैं अपने आईडी को, तो आपका जो अमाउंट है सेल्फ इनकम वाला वो जीरो हो सकता है, गोल, समझ गए। इसलिए ये गलती ना कीजिए, कुछ लोगों को हुआ है, कुछ लोग किए हैं, तो ये गलती हो गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी गलती आप लोग ना करें। अगर मोबाइल में आपने कर लिया है तो मोबाइल में चलाइए, समझ गए, क्या दिक्कत है मोबाइल में चलाने में। मोबाइल में तो और आसानी से चलता है, एनी टाइम आपके पैकेट में रहेगा, एनी टाइम अपना अकाउंट आप देख सकते हैं, तो क्या दिक्कत है, समझ गए दोस्त। तो एंड्रॉयड से एंड्रॉयड में ही, मतलब अगर मोबाइल इस मोबाइल में आप रखे हुए हैं तो कोई बात नहीं है, मोबाइल अगर टूट फूट गया तो नेक्स्ट मोबाइल में आप ला सकते हैं। इवन दोस्तों जो एप्पल का मोबाइल रखे हुए हैं, आईफोन रखे हुए हैं, वो भी अपना सिस्टम को वो लैपटॉप पे नहीं ले जाए, कंप्यूटर में नहीं ले जाए, आपका जो इनकम है वो जीरो हो सकता है, इसका ध्यान आप लोग रखिएगा, समझ गए। और दोस्तों एक बात और, बहुत लोग को क्या होता है कि जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कभी कभी होता क्या है कि आप देखे होंगे कि जब रजिस्ट्रेशन के दौरान लास्ट में जो ईमेल आईडी आप लोग डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं और उसके बाद क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं, तो एक ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर जाता है, कभी कभी वो नहीं जाता है, क्लिक करने के बाद वो ओटीपी नहीं जाता है, बहुत लोगों को समस्या आ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा कि मोबाइल को रीस्टार्ट कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रीस्टार्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, 90% ये देखा गया है, मैंने खुद दोस्तों कई लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उनका मोबाइल रीस्टार्ट करवा के हो गया उनका प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने अगर यूजर नेम एक बार अपना रख लिया है तो उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं मानता हूं कि अगर आपका नेटवर्क नहीं बना हुआ है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा खासा नेटवर्क बन गया है, इनकम आपको हो रहा है, तो चेंज मत कीजिएगा, हो सकता है वो इनकम खत्म हो जाए। कहने का मतलब यह है कि अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं करना है जिसके कारण से आपको भुगतना पड़े, क्योंकि अगर कंपनी कुछ गलती करती है, कंपनी की गलती के कारण आपका कुछ होता है, तो वो तो रिकवरी हो जाएगा, कंपनी आपको दे देगी, लेकिन आपके गलती के कारण कुछ होता है तो हो सकता है वो लॉस आपको भुगतना पड़े। इसलिए अपने से कोई गलती आपको नहीं करना है, और वो हर संभव मैं प्रयास आपको करता हूं, यही करता हूं प्रयास कि आपको वो बताता रहूं कि क्या आपको नहीं करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, भविष्य में प्रॉब्लम ना हो, समझ रहे हैं। तो दोस्तों मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने जो आज वीडियो में आपको बताया, ये जो जानकारी दिया, आपको पसंद आया होगा, ये बहुत ही जरूरी जानकारी था, बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है दोस्त। तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी हो जाए मोबाइल का, बस अपना आईडी जो है, मतलब पासवर्ड और यूजर नेम, ईमेल आईडी याद रखिएगा, सीक्रेट कोड, काम हो जाएगा, समझ गए। तो दोस्त ये जानकारी मुझे देना था, सो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे भाई लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कीजिए जरूर कुछ, अपना उंगली को चलाइए, बैठे मत रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, उंगली हाथ ठीक रहेगा एक्सरसाइज करने से, समझ रहे ना। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्त इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों को बताइए अपने डाउनलाइन में कि भैया इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचना बिल्कुल नहीं, डोंट वरी, है ना, समझ गए। तो ठीक, चलिए दोस्तों इस वीडियो के हम समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, इस वीडियो के हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय की बोर्ड 91, जय फाइव बिलियन सेंट्रल कॉम।